गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपका आपके अपने चैनल इंश्योर एग्जाम में स्वागत है। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। आज मैं आप लोगों के लिए स्पीडी करंट अफेयर वार्षिकांक 2023 की बुक से एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जिस टॉपिक का नाम है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022 से 2023 के दौरान कौन कौन से सम्मेलन हुए उनके बारे में हम लोग अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नए टॉपिक की तरफ। तो 32वां अरब लीग शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो 19 मई 2023 को जेद्दा सऊदी अरब में हुआ। तो 32वां जो है अरब लीग शिखर सम्मेलन का आयोजन 19 मई को जेद्दा सऊदी अरब में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के पीएम हैं। तो इसकी अध्यक्षता किसने की? मोहम्मद बिन सलमान, जो कि सऊदी अरब के पीएम हैं। ठीक है, अब हम आते हैं आगे की तरफ। 6वां जो है हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है वो 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? शेख हसीना ने, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। और इसका विषय क्या था? शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन जो है 12 से 13 मई ढाका बांग्लादेश में हुआ। इसकी अध्यक्षता शेख हसीना ने, जो कि बांग्लादेश की पीएम है। और इसका विषय शांति, समृद्धि और एक लचीले भविष्य के लिए साझेदारी। अब हम आते हैं अपने अगले सम्मेलन की तरफ। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो 19 से 21 मई हिरोशिमा जापान में हुआ। कहाँ पे हुआ? हिरोशिमा जापान में। इसकी अध्यक्षता जो है जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा ने की। इसका मुख्य बिंदु क्या था? G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया। और 48वां जो है सम्मेलन कब हुआ था G7 का? जर्मनी में 2022 में। और 50वां सम्मेलन जो है G7 का कब होगा? तो 2024 में इटली में 2024 में होगा। तो 49वां G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 19 से 21 मई को हिरोशिमा जापान में हुआ। इसकी अध्यक्षता जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किसीदा ने की। और इसके मुख्य बिंदु G7 ने 2025 तक वैश्विक स्तर पर न्यूनतम उत्सर्जन की आवश्यकता पर बल दिया। इसका जो 48वां सम्मेलन जो है वो कब और कहाँ हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था 2022 में। और इसका 50वां जो सम्मेलन है वो इटली 2024 में होगा। अब हम आते हैं अपने नए सम्मेलन की तरफ। 23वां जो है SCO शिखर सम्मेलन 2023 का जो आयोजन है वो 3 से 4 जुलाई भारत में हुआ। 22वां सम्मेलन इसका कब हुआ था? तो समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में। तो 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 का 3 से 4 जुलाई को भारत में हुआ। और इसका 22वां सम्मेलन जो है वो समरकंद उज्बेकिस्तान में 2022 में हुआ था। अब हम आते हैं 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन जो है भारत में हुआ। इसकी थीम क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली और वन फ्यूचर। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी अध्यक्षता की। भारतीय शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत भारतीय शेरपा है। और पहली G20 शेरपा की बैठक कहाँ हुई? उदयपुर राजस्थान में। कहाँ पे? उदयपुर राजस्थान में। तो 18वां जो है G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में हुआ। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर है। इसकी अध्यक्षता जो है पीएम नरेंद्र मोदी ने की। भारतीय शेरपा इसके कौन है? अमिताभ कांत। और पहली G20 शेरपा बैठक कहाँ हुई? उदयपुर राजस्थान में हुई। और 17वां जो सम्मेलन है G20 का वो कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में 2022 में। कहाँ हुआ? 17वां सम्मेलन बाली इंडोनेशिया 2022 में। और 19वां सम्मेलन कहाँ पे होगा? ब्राज़ील में 2024 में। अब हम आते हैं पहली G20 ECSWG बैठक 2023 का जो आयोजन है वो बेंगलुरु भारत में 9 से 11 फरवरी 2023 के बीच हुआ। इसका विषय जो है सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट
ब्लू इकोनॉमी है। क्या है इसका विषय? सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रिजिलियंट ब्लू इकोनॉमी। अब हम आते हैं अपनी अगली बैठक की तरफ, जिसका नाम है विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक 2023 का जो आयोजन है वह 16 से 20 जनवरी 2022 को दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ। इसका विषय क्या है? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। क्या है इसका विषय? कोऑपरेशन इन ए फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। अब हम आते हैं अगले सम्मेलन की तरफ, कॉप 15वां जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 2022। इसका आयोजन जो है 19 दिसंबर 2022 को मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? चीन ने इसकी अध्यक्षता की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पर्यावरण जलवायु मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। और इसमें जो है 2030 तक के लिए 4 लक्ष्य और 23 के लिए उद्देश्य तय किए गए हैं। अब हम आते हैं अगले सम्मेलन की तरफ, जिसका नाम है कॉप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022। इसका आयोजन जो है 6 से 20 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। कहाँ पे हुआ? शर्म अल शेख मिस्र में इसका आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है किसने की? तो मिस्र के विदेश मंत्री समेह सौकरी ने। किसने की? मिस्र के विदेश मंत्री समेह सौकरी ने। भारत का प्रतिनिधित्व तो किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। और इसका विषय क्या है? डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानेट। डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानेट। कॉप 26 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया था? ग्लासगो स्कॉटलैंड में, जो कि यूके में है, 2021 में। कॉप 28 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। कॉप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। तो कॉप 27 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है 6 से 20 नवंबर 2022 को शर्म अल शेख मिस्र में हुआ। इसकी अध्यक्षता मिस्र के विदेश मंत्री समेह सौकरी ने की। भारत के तरफ से इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने। इसका विषय क्या है? डिलीवरी फॉर पीपल एंड द प्लानेट। और कॉप 26 का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में यूके 2021 में हुआ। और कॉप 28 का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात 2023 में हुआ। अब हम आते हैं अपने अगले सम्मेलन की तरफ, जिसका नाम है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022। ठीक है, तो इसका आयोजन जो है 14 जुलाई 2022 को वर्चुअली हुआ। भारत की ओर से इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। और I2U2 का पूर्ण रूप क्या होता है? इंडिया, इजराइल, USA और UAE। मुख्य बिंदु इसका क्या है? इस सम्मेलन में 6 क्षेत्रों, कौन कौन से 6 क्षेत्र हैं वो? जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा पर चर्चा जो है वो की गई। अब हम आते हैं अपने 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022। 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का जो आयोजन है वो 28 से 30 जून मैड्रिड स्पेन में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की। इसका मुख्य बिंदु क्या है? फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। और इसका जो है 31वां सम्मेलन 2021 का कहाँ हुआ? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। और 33वां सम्मेलन 2023 का लिथुआनिया, विनियस में। तो 32वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है 28 से 30 जून 2022 को मैड्रिड, स्पेन में हुआ। इसकी अध्यक्षता जो है नाटो महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने की। इसका मुख्य बिंदु फिनलैंड और स्वीडन को गठबंधन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। 31वां सम्मेलन 2021 का ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुआ। और 33वां सम्मेलन 2023 का लिथुआनिया, विनियस। अब हम आते हैं अपने अगले शिखर सम्मेलन की तरफ, जिसका नाम है 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022। तो इसकी मेज़बानी जो है 23 से 24 जून 2022 में चीन ने, जिसकी अध्यक्षता शी जिनपिंग ने की। भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली किया। और सम्मेलन का विषय क्या था? फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। ठीक है, फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरशिप असर इन ए न्यू एरा फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। 13वां सम्मेलन जो है इसका कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में 2021 में। और 15वां सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में 2023 में। इस प्रकार हमारा आज का ये वीडियो प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 यहीं पे
समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।